spot. Let's talk about there's so much confusion among the students. Foreign to main jana chahta hu MBBS karne ke liye kaun sa college choose kar. Kindly like, share and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Hello everyone. Welcome to EDUNOM MEDIA. I'm Lambodha, MBBS abroad expert. Let's talk about there's so much confusion among the students. Foreign to main jana chahta hu MBBS karne ke liye kaun sa college choose karu. Suppose foreign MBBS admissions ko lekar so much confusion among the students. कौन सा कंट्री में चूज करूं, कौन सा कॉलेज में जाऊं, कहां पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा है, कहां पे इंडियन फूड अवेलेबल है, कहां पे एमसीआई यूएसएमएलई और प्लैब एंट्रेंस एग्जाम से काफी कॉल्स आ रहा है. स्टूडेंट्स को भी कंफ्यूजन, सर मैं लोकल बैठा हूं यहां पे टूटा सिटीज में, वहां पे लोग बोलते हैं इसके थ्रू एडमिशन ले लूं क्या, वो बोलते हैं मैं कोई भी कंसल्टेंट के पास जाता हूं वो बोल रहे हैं, कोई बोलता है यूक्रेन अच्छा है, कोई बोलता है रशिया अच्छा है, कोई बोलता है आर्मेनिया अच्छा है, कोई बोलता है कजाकिस्तान किर्गिस्तान अच्छा है. बिकॉज दे हैव ओनली लिमिटेड कॉलेज. टायर डियर स्टूडेंट्स, अब किसके पास जाओ, बोलेंगे यूक्रेन में यही कॉलेज हमारा टायर है, यही कॉलेज सबसे अच्छा है. वो तो ये तो नहीं बोलेंगे ये कॉलेज हमारा टाइप है, ये कॉलेज यूक्रेन में अच्छा है, यही कॉलेज रशिया में दी बेस्ट कॉलेज है. डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इतना स्टूडेंट आजकल ये बातों को लेकर ट्विटर हो रहे हैं, इनफैक्ट फी स्ट्रक्चर को लेकर भी. कॉलेज का फी स्ट्रक्चर कुछ होता है, सपोज 5500 यूएसडी होता है, यहाँ पे शो करते हैं 6000 यूएसडी, या कुछ कंसल्टेंट ऐसे भी है जिसका 5500 डॉलर ट्यूशन फी है, वो बोलते हैं 4900 है. सो दैट कम फीस बता दो यहाँ पे, वहां पे जाके जो आप पहला एडमिशन ले लो वहां जाके फिर और मैं क्या करूँ, कॉलेज का जो ट्यूशन फी यू टू पे दैट अमाउंट. दैट इज अ स्मार्ट वे. डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आपको ही चूज करना पड़ेगा. ऐसे भी कुछ करते हैं बोल रहे हैं ये कंट्री बेकार है, ये कंट्री बेकार है, मत जाओ, यही एक कंट्री हो सबसे अच्छा है. खुद कंफ्यूज हो रहा है किसका बात सुनो, किसके थ्रू मैं एडमिशन लू, हु इज द बेस्ट पर्सन फॉर माय कैरियर, फॉर माय लाइफ टाइम डिसीजंस के लिए हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट. स्टूडेंट भी कंफ्यूज हो रहा है. डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, किसी भी कंसल्टेंट या किसी भी कंपनी को अप्रोच करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए. हर कोई सबसे कोई मेन मुद्दा के बारे में तो बात कर ही नहीं रहा है. आप लोगों को पता है जब एमबीबीएस फॉरेन कंट्री में करने जा रहे हो, आने के बाद एमसीआई क्लियर करना पड़ेगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नोबडी डिस्कस अबाउट एमसीआई, एवरीबॉडी डिस्कस अबाउट यू जस्ट कम आई गिव द एडमिशन दैट्स इट, उसके बाद टाटा बाय बाय, यही आपका पॉइंट है. आप किसी के थ्रू एडमिशन लीजिए, सबसे प्रायोरिटी आप चूज कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल कौन मेरे को हेल्प कर रहा है, यूएस अमेरिका के लिए, एमसीआई के लिए या प्लाट एग्जाम के लिए, बिकॉज आप लाइफ टाइम डिसीजन ले रहे हो डियर स्टूडेंट्स. सेकंड पॉइंट, जो कॉलेज आपको रिकमेंड कर रहे हैं कॉलेज का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है, ट्यूशन फी ऑफ इंडियन फूड अवेलेबल है कि नहीं, हॉस्टल लाइफ कैसा है, वहां पर सेफ हो या नहीं हो, दीज आर द मेजर पैरामीटर्स. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीआई का ट्रेनिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है फ्रॉम डे वन से. बट आप लोग क्या कहते हो अभी, अच्छा ये तो मेरा, ये मेरा गांव में रहता है, ये मेरे को एडमिशन दे देंगे, मैं उनके थ्रू एडमिशन ले लूं, या मैं रिलेटिव है मैं उनके थ्रू एडमिशन ले लूं. डियर आपको इंडिया में एडमिशन नहीं दे रहे डियर स्टूडेंट्स, फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, इतना कुछ प्रॉब्लम होता है. अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू सर्विस नहीं लोगे, एक्सपर्ट के थ्रू आप एडमिशन कागज पेपर नहीं लोगे, 5-6 साल के अंदर जो भी दिक्कत आएगा कोई आपका रिपोर्टर नहीं आपके साथ नहीं आएंगे. आपको पता है वीजा वगैरह दिल्ली से बनता है, वहां पे भी ऐसे कोई कंपनी के थ्रू एडमिशन लीजिए, वहां पे जो 5-6 साल रहेंगे उनका लोकल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए. ये तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा. आपको पता है लास्ट ईयर मैं तो कंट्री का नाम नहीं लूंगा, 120 स्टूडेंट वापस आ गए थे. डायरेक्ट नहीं है कॉलेज में,
वो कोई भाया इंडिया से तू जा रहा है दो तीन कंसल्टेंट के फेर में, तो आपका कंसल्टेंट तुम्हें ज्यादा दे दो, वो आपको लूट रहा है। आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगा कौन सी काउंसिलर, कौन सा एजेंट या कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट है, नॉट ओनली फॉर एडमिशन। नेक्स्ट 5 साल तक आपके साथ रहेगा, नेक्स्ट 6 साल तक, 5 to 6 years तक आपके साथ रहेगा। एंड सेकेंडली सर्विस इंडस्ट्री में इतना एजुकेशन कंसल्टिंग सेक्टर से जो एडमिशन करने के लिए इतना झूठा वादा प्रॉमिस कर देते हैं। हाँ ट्यूशन पे ये है प्रोसेसिंग के फी के नाम से भी जो वीजा बनाते हो आप लोग, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग करते हो या एयर टिकट करते हो, बोल देंगे ठीक है आप इतना कम दे दो। जैसा आप देखो सॉरी टू से पर आप लोग ही बोलते हो और आप मांग लो 1 लाख 1.5 लाख की जो भी अमाउंट है थोड़ा कम कर दो, वो आपको खुश करने के लिए कम बात कर देंगे, वहां पे पहुंचने के बाद आपसे पूछ लेंगे। पिछले 12 साल का कैरियर में मैं देख चुका हूं कितना कंसल्टेंट कितना लोग आके कंपनी बंद कर जा चुके हैं। तो ये आपको ही चूज करना पड़ेगा किसके थ्रू जाना है, किस किस का डायरेक्ट टाई अप है। ऐसे कोई कंसल्टेंट का कंपनी के थ्रू चाहिए जो एस्टैब्लिश कंपनी है प्रॉपर्ली, प्रॉपर एस्टैब्लिश कंपनी है। सेकेंडली having strong tie-up with all major colleges in different countries. And thirdly, उस company का उस market में नाम होना चाहिए। Then you should choose. कोई 10,000 पे 15,000 काम कर लिया, उनके तो जब admission लगे थे, बच्चे का lifetime का सवाल है dear students. आप लोगों का lifetime का सवाल है। I'm requesting to parents. Last year के 180 student वापस आए थे because of this. कुछ commit किया गया था, पर उनको जाने के बाद कुछ नहीं वहां पे, या कुछ अलग अलग पॉइंट पे स्टूडेंट लोगों ने प्रॉब्लम फेस किया। एक तो फीस ट्यूशन फी का लेकर यहाँ पे कुछ ट्यूशन भी कम किया गया था, वहां पे जाने के बाद कुछ अलग फीस पकड़ा दी, वहां पे हॉस्टल लाइफ को लेकर भी कुछ कम किया गया था। उनको एक रूम में 3 लोग 2 से 3 लोग रहेंगे, पता लगा 6 स्टूडेंट एक साथ रह रहे, तो आप तो फंस गए। ट्यूशन भी पे कर दिया, हॉस्टल फी हुआ फर्स्ट ईयर का, जो हॉस्टल फी फर्स्ट ईयर का पूरा पे कर दिया, आपका तो अमाउंट गया, आप तो फंस गए, आप आ भी नहीं सकते हो। आप डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हो, यू आर द फ्यूचर डॉक्टर ऑफ इंडिया, अगेन द फ्यूचर जनरेशन ऑफ इंडिया। डियर स्टूडेंट्स आल्सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू योर पेरेंट्स आल्सो, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन किसके थ्रू एडमिशन लेना है, कौन मेरे को बेनिफिट देगा, कौन मेरे को सारे सर्विसेज, मैं उनके थ्रू भी जाना चाहूंगा, देन आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा नेक्स्ट 5 to 6 years तक। मैं ये नहीं बोल रहा हूं EDUNOM के थ्रू ही लीजिए, नो आपको डिसीजन लीजिए आपके लिए कौन बेस्ट है। थोड़ा 10-15 हजार चक्कर में या रिलेटिव डिफरेंस के चक्कर में आप ले लेते हो। एक मैं कल का एग्जाम्पल देता हूँ, एक स्टूडेंट आए थे, मतलब मेरा दोस्त पढ़ रहा है वहां पे, मेरे को फोर्स कर रहा है इसी कॉलेज में ले ले। जस्ट इमेजिन स्टूडेंट्स का भी कुछ बेनिफिट मिलता है, वो तो ऑलरेडी फंस चुका है, पर आपको भी फंसा रहा है कि उनको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट मिल जाएगा, ये तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कौन सा कॉलेज कौन सा कंट्री अच्छा है। एंड सेकेंडली ऐसे कोई कंपनी या काउंसलर के थ्रू जाना चाहिए जिसका जो कमिटमेंट करेंगे पूरा करेंगे। दिस इज योर डिसीजन किसके थ्रू जाना चाहिए MBBS अभ्यर्थी, कोई भी कंट्री, चाइना, रशिया, यूक्रेन, फिलीपींस, मॉरिशियस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, आर्मेनिया, जॉर्जिया, पोलैंड, जर्मनी, these are the major country normally students are opting for MBBS in foreign countries. You decide which country is the best choice. Which सबसे most important point, you should decide country, college, ये सब option मिल जाएगा। किसके through जाए? जो मेरा next 6 साल तक, I mean to till completion of the course, मेरे साथ में रहे, जो जो commit करेंगे, सब कुछ पूरा करेंगे। Then you should join. एक चीज मैं बता दूं, EDUNOM जो है पिछले 12 साल के स्टूडेंट्स को आज तक कमिट करके आ रहा है एवरीथिंग या फुल फुल सबसे वाइज EDUNOM। अगर आप EDUNOM के थ्रू एडमिशन लेंगे क्या मेजर बेनिफिट आपको मिलेगा, फर्स्ट बेनिफिट MCI कोचिंग फ्रॉम डे 1।
USMLE क्लास के लिए हम सपोर्ट करेंगे MCI का जो स्क्रीनिंग टेस्ट का जो एग्जाम है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स डे 1 से आपको MCI कोचिंग मिलेगा ये मेरा गारंटी है कि भगवान नहीं बोल रहे हैं डे 1 से आपको डिग्री में लिख के देंगे सेकंड पॉइंट जो हमारा सुझाव 5-6 साल तक कुछ भी प्रॉब्लम होगा कुछ भी चाहो हॉस्टल लाइफ को लेकर हो एजुकेशन एनवायरमेंट को लेकर हो या कुछ भी आपको सपोर्ट चाहिए वी वर्क एज ए प्राइवेट गार्डियन फॉर यू वी विल बी टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू व्हाट एवर रिक्वायरमेंट यू हैव थर्डली जो स्टूडेंट्स जो हम कमिट करेंगे एवरीथिंग डे 1 से हम मीटिंग में आपको देंगे डे 1 से next 5 years. What are we going to commitment? The kind of services, the kind of commitment we do will definitely fulfill. And I can guarantee you, I can assure you, जब complete course complete करने के बाद आप इंडिया वापस आओगे, the kind of MCI training we'll get during the course, you can definitely clear the MCI screening test in fast time. ये मेरा commitment है. Then you decide किसके थ्रू जाना who is the best counselor for your life for your career you should decide then उनके थ्रू ही आप एडमिशन लीजिए this is our commitment EDUNOM आज तक 12 साल से जो भी कमिट किया है we are the permanent officer Kazak any doubt still एडमिशन का लेकर कुछ भी प्रॉब्लम कुछ भी सपोर्ट चाहिए You can call us or you can WhatsApp us. Kuch bhi, you can definitely help it out. Dear students and parents, or you can mail us edunommedia@gmail.com. We can definitely help it out. Thank you for watching us. Have a good day. Kindly like, share, and subscribe the channel. And don't forget to press the bell icon.